Assalamualaikum. Welcome to your favorite program, 5 minutes on your favorite channel, Let's Keep In News with your host Mani. आजकल आपने खबरें तो सुनी होंगी कि जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट ने मेडिकल कॉलेजेस बनाए पिछले साल, तो अब ये है कि वो कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं हुए, तो आजकल बच्चे वो परेशान हैं कि पेपर नहीं हो रहे हैं। भाई साहब जल्दी करें, मैंने याद ही नहीं किसने नहीं कॉलेज का सुधार करना। तो साहब पहले जो आपने बनाए हैं उनका कुछ कर ले, जो आप नहीं बना रहे चले करें, आप करें प्लीज, आप बोलने दें चले करें करें। तो इसके लिए हमारे डायरेक्टर साहब जनाब राफी भट्ट साहब ने सोचा कि इस मतलब हम अपने प्रोग्राम में लें, तो हमने सोचा कि जरा इस पर बात करें। तो इसके लिए हमने इस इम्पोर्टेंट मसला है, तो इसके लिए हमने दावत की है अपने प्रोग्राम में डॉक्टर मुबशर साहब को, जो वाइस चांसलर है यूएचएस सितारा इम्तियाज लाल इम्तियाज और गोल्ड मेडलिस्ट है जो कि शायद सोनी ग्राफ आ रहे हैं, और इसके साथ हमने स्टूडेंट्स के नुमाइंदे जो कि आजकल बहुत परेशान है जनाब इंशाल्लाह डॉक्टर कमर साहब जिनका ताल्लुक जीएमसी से है, उनको अपने प्रोग्राम में दावत किया ताकि वो अपने ख्याल का इजहार कर सकें और अपने अपनी परेशानी को बता सकें। तो ठीक है, अब हम इस पर बात करते हैं। पहले हम पूछेंगे जनाब इंशाल्लाह डॉक्टर कमर साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या होगी कॉलेज के बारे में पूछा जा रहा है। जनाब आप बताइए क्या मसला क्या सर। शुक्रिया आपका, आपने हमें इस प्रोग्राम में दावत दी। मैं आपके प्रेसिडेंट साहब को भी इसका खुश आमदीद कहता हूँ। दरअसल सर हमारा स्टूडेंट का अलमिया ये है कि हमारा साल ज़ाया होने को है और अभी तक हमारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि हमारा मसला मीन्स के क्या है। तो सर बताइए क्या मसला है चुका मानी साहब, बच्चे को बताइए ना, जब इनको अपना मसला ही नहीं पता तो यहाँ से क्या लेंगे आप। पहले इनको पता करें अपना मसला क्या है। सर एक्चुअली मैं आपसे बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं तो क्या रिकॉग्नाइज करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। कमर बेटा मैं आपको हेल्प करूँ, आपने अब तक किसका सर भरा, आपने कब प्रोटेस्ट किया, आपने कब टायर जलाए। सर क्या हर चीज हमारे मुल्क में टायर जलाने प्रोटेस्ट करने तोड़फोड़ से ही होती है क्या। बेटा ये पाकिस्तान है, यहाँ प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता। बच्चा जब तक माँ की गोद में रोता नहीं उसको दूध नहीं पिलाया जाता। तो सर क्या हम यहाँ पर आपसे दूध मांग रहे हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारे मेडिकल कॉलेजेस अगर आप रिकॉग्नाइज कर दें तो बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद।